जिला हमीरपुर के स्कूलों में तीसरी से लेकर सातवीं कक्षा के 17,500 छात्र करीब 2 वर्ष बाद स्कूल पहुंचे। ऐसे में स्कूलों में छात्रों की चहलकदमी और बढ़ गई है। स्कूलों में छात्रों को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे ताकि स्कूल कैंपस में छात्रों की भीड़ इकट्ठी ना हो सके। इसके लिए स्कूलों में कमेटियां गठित की गई थी ताकि छात्र स्कूल में प्रवेश के दौरान ग्रुप में इकट्ठे ना हो। छात्रों को थर्मल स्कैनिंग व हैंड सैनिटाइजेशन के लिए भी जगह चिन्हित की गई थी। बता दें कि हमीरपुर जिला के 480 प्राइमरी स्कूल 21 माह के उपरांत छात्रों के लिए आज से खोले गए हैं। तीसरी से सातवीं कक्षा के 17,709 छात्र भी अब दूसरी कक्षाओं की तरह रूटीन में हाजिरी लगाने स्कूल पहुंचे। 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने 11 अक्टूबर से प्रवेश किया था, तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो भी विभाग की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए थे तो हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली थी। हमने माइक्रो प्लान जो था वो स्कूल में बनाया था, तो सबसे पहले उसके अंतर्गत हमने पूरी बिल्डिंग की जो थी वो सैनिटाइजेशन की थी। तो उसमें जो भी स्कूल का जो भी एरिया था या फिर जो टॉयलेट्स हैं, फर्नीचर हैं, सबका हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया था। और उसके बाद जो है हमारे जो भी इसके लिए जो भी हमारी सैनिटाइजेशन का जो भी सामान है हमने उसको प्रॉपर जगह पर जो था वो प्लेस कर दिया था। और उसके बाद जो भी जय हिंद, जैसा कि विधि है कि 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले से ही लग चुकी थी और आज से 6ठी और 7वीं के बच्चे भी स्कूल आए हैं, तो पूरे स्कूल में एक अच्छा माहौल है, एक खुशी का माहौल है। और जैसा कि हम बच्चों से भी बातचीत हमने करी है तो बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं अपने स्कूली वातावरण में वापस लौटने पर। हाँ सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि एज ए प्रिंसिपल सारे बच्चे आज स्कूल में आए हैं, तो स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या क्या इंतजाम या प्रबंध जो हैं वो बच्चों की सेफ्टी के लिए किए गए हैं? ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया। सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, जो SOP है कोविड की, उसका जो पालन जो है वो शुरू से ही करवाया जा रहा है। जैसे ही बच्चे स्कूल छोड़ते हैं 2 टाइम जो है वो स्कूल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। बच्चों कि स्कूल एंट्री का जो टाइमिंग है वो हमने अलग अलग कर रखा है, उनकी रिसेस जो है वो अलग अलग कर रखी है, इवन कि उनकी छुट्टी का टाइम है उसमें भी हमने गैप बना रखा है। इसके साथ ही जब बच्चा स्कूल के अंदर कैंपस में जो एंटर करता है तो उसे प्रॉपर ऑनलाइन टीचिंग जो है वो करवाई गई है, लेकिन जो क्लासरूम का जो एक पढ़ने का और पढ़ाने का जो वातावरण है वो बच्चे हमेशा मिस करते रहे हैं। आज टीचर जो हैं वो भी इन चीज़ों को मिस करते रहे हैं, तो अब वो वक्त आया है। तो अगर हम सभी मिलजुल कर जो है वो इस SOP का पालन करेंगे तो आने वाले समय में जो है वो हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और अपने बच्चों का और दूसरों का भविष्य भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दिशा डोगरा है। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं आप? मेरे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चारी है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मेरी कक्षा 6ठी कक्षा है। हाँ, तो आज आप इतने महीनों के बाद स्कूल आए हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, घर में अच्छा नहीं लगता था? सर अच्छा लगता था, लेकिन जो स्कूल में पढ़ने का मजा आता है वो घर में नहीं आता। हाँ, तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या आप उनका पालन करेंगे? यस सर। आप बताएंगे कि आपको क्या क्या पालन करना होगा? हमें स्कूल में आते ही हैंड सैनिटाइज करने पड़ेंगे, पूरा दिन मास्क नाक पे रहना चाहिए, फेस पे रहना चाहिए और बार बार हाथ धोते रहना चाहिए। हाँ, और किसी से भी हमें कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी है, ठीक है? Yes, sir. और डिस्टेंस बना के हमने रहना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम जिगर कुमार है। मैं
कक्षा सातवीं का छात्र हूँ। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं बेटा आप? मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौरी का छात्र हूँ। आप कितने महीनों के बाद स्कूल आ रहे हैं? मैं 18-19 महीनों के बाद स्कूल आया हूँ। तो जब आप इतने महीने घर में रहे तो आपकी पढ़ाई कैसे चली? हमारी पढ़ाई ऑनलाइन चली। अच्छी लगती थी वो? यस। तो अभी जब आप इतने महीनों के बाद स्कूल में आए तो कैसा मन अनुभव कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। तो जैसे आप स्कूल में आए हैं तो आपको पता है कि कोविड के तहत आप इतने महीने घर में रहे, तो इससे बचाव के लिए हमें कौन कौन से दिशा निर्देश जो है वो उनका पालन करना पड़ेगा? हमें अपने मुंह पर हमेशा मास्क लगाना चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए और दूसरों से दूरी करनी चाहिए। हाँ, दूरी बना के रखनी है, ठीक है। हाँ, और कोई भी चीज़ जो है वो हमें एक दूसरे से शेयर नहीं करनी है, ठीक है। हमें अपना भी बचाव करना है और दूसरे का भी बचाव करना है, ठीक है। तो आप इतने दिनों के बाद स्कूल में आए हैं, आपका स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।